जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी 3 जुलाई 2024 को अपडेट की गई हैं। पहली वैकेंसी यहाँ पे है देहरादून के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय परिसर देहरादून की ओर से। यहाँ पर दो पोस्ट हैं ईस्टर्नों के और यहाँ पर जो शर्तें है इसमें कि शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। कैपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग भी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑब्लिक ग्रेजुएशन होना चाहिए तो कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है कोई तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं या ग्रेजुएट होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। देहरादून में जॉब लोकेशन है दोस्तों और यहाँ पर दो वैकेंसीज है, एक को ST के लिए है और एक है SC के लिए। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे? एक्स सर्विसमैन और ESM डिपेंडेंट ओनली, दो ही के लिए ये पोस्ट आपको मिलेगी। अभी दूसरी वैकेंसी देहरादून में है IRB देहरादून झाझरा की ओर से। हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है IRB सेकेंड देहरादून में और एक वैकेंसी है देहरादून में जॉब लोकेशन ESM, इसके लिए देख सकते हैं। अगली पोस्ट है आउटसाइड LIC की ओर से निकाली गई, लक्सर की ओर से गनमैन की आवश्यकता है। गन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ये ESM के लिए है। अगली वैकेंसी देहरादून STRF हेडक्वार्टर जॉली ग्रांट देहरादून की ओर से कुक की दो वैकेंसी यहाँ पे है। ST कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, देहरादून में जॉब लोकेशन रहेगा। अगली वैकेंसीज पौड़ी गढ़वाल जिला कारागार पौड़ी में हेयर ड्रेसर की वैकेंसीज है, एक पोस्ट है ESM और डिपेंडेंट के लिए, पौड़ी में जॉब लोकेशन है। अगली जो पोस्ट है, हालांकि इतनी बढ़िया पोस्ट यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी जिला कारागार पौड़ी में ड्राइवर की वैकेंसी एक है। हिल एंड हैवी लाइसेंस ओनली, OBC कैंडिडेट, ESM इंडिपेंडेंट, तो पौड़ी गढ़वाल जॉब लोकेशन रहेगा। अगली पोस्ट टेहरी गढ़वाल में है, जिला जज टेहरी में। स्टेनो की पोस्ट हैं चार और यहाँ पर शर्तें जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश कैपेबल होना चाहिए। ड्राफ्टिंग के वगैरह के लिए शॉर्ट एंड होना चाहिए। टेहरी गढ़वाल में जॉब लोकेशन है, ESM उनके डिपेंडेंट, इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। अगली जो पोस्ट है उत्तरकाशी के लिए है, जिला जज उत्तरकाशी में। स्टेनो की पोस्ट है, एक पोस्ट है और इसके लिए भी सेम यहाँ पे शर्तें हैं, उत्तरकाशी में जॉब लोकेशन, ESM और डिपेंडेंट, इस वैकेंसीज को देख सकते हैं। अगली वैकेंसी देहरादून में है, जिला कारागार देहरादून में। हेड ड्रेसर की पोस्ट है, हेड ड्रेसर काफ़ी पोस्ट यहाँ पे निकाले गए इनके द्वारा। अभी अगली जो पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये निकाला गया है देहरादून में, ये प्लम्बर का है और इसके लिए ESM देख सकते हैं, देहरादून में जॉब लोकेशन रहेगा। अभी यहाँ पर और भी पोस्ट निकाले गए हैं और इसके लिए जो अपडेट यहाँ पर किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो अपडेट किया गया है 8 जुलाई 2024 को अपडेट है। और पहली वैकेंसी यहाँ पे है नैनीताल में, स्टेट गेस्ट हाउस नैनीताल के अंतर्गत पर्यावरण मित्रा के तहत दो वैकेंसीज है, 5 पास ओनली, ESM और डिपेंडेंट, नैनीताल में जॉब लोकेशन रहने वाला है। अगली जो वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको नैनीताल में ही है और यह भी सब जेल हल्द्वानी में है, पर्यावरण मित्रा के अंतर्गत एक वैकेंसीज है, इसके लिए भी 5 पास होना चाहिए। ESM डिपेंडेंट या फिर एक्स उपनल के जो और कर्मचारी हैं वो इन वैकेंसीज को देख सकते हैं, हल्द्वानी में जॉब लोकेशन है। हालांकि सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी नहीं है लेकिन यदि आपके घर के नज़दीक पड़ता है, लोकेशन में, लोकल में है, तो मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। नैनीताल की वैकेंसीज है उत्तराखंड जुडिकल एंड लीगल अकेडमी भोवाली में, रिसर्च ऑफिसर की है और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह मंगा गया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कि सबसे पहले है कि बैचलर डिग्री ऑफ लॉ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लाइज बाय लॉ आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर का ऑपरेशन का होना चाहिए आपको। अदर थिंग बीइंग इक्वल परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट होल्डिंग बैचलर डिग्री ऑफ LLM ओनली फॉर ESM डिपेंडेंट एंड एक्स उपनल, तो यह होना चाहिए। यदि इक्वल परफॉर्मेंस होगा तो कैंडिडेट होल्डिंग बैचलर डिग्री ऑफ LLM को यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। भोवाली में जॉब लोकेशन है। अगली वैकेंसी नैनीताल के अंतर्गत है, यह है कैंट बोर्ड नैनीताल में, गनमैन की आवश्यकता है। एक वैकेंसीज है, वैलिड गन लाइसेंस होना चाहिए ओनली फॉर ESM और पुराने जो उपनल के उनके लिए है।
अगली वैकेंसी उधम सिंह नगर में निकाली गई है, गवर्नमेंट आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा में, स्वीपर कम चौकीदार की है और ये ASM खटीमा में जॉब लोकेशन रहेगा। अगली जो वैकेंसीज है ये भी उधम सिंह नगर में निकाली गई है, जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्रा के तहत पोस्टमार्टम वक्स रहेगा। यहाँ पे 5 पास 5 होना चाहिए, 5वीं पास ASM और डिपेंडेंट के लिए। तो ये वैकेंसी थी जो कि उत्तराखंड की पूर्व सैनिकों उनके डिपेंडेंट के लिए निकाली गई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि आप इन वैकेंसीज के लिए जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, देहरादून का नंबर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो आप यदि हल्द्वानी में रिंग करना चाहते हैं, हल्द्वानी में पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये हल्द्वानी का नंबर है, ये देहरादून का नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों नंबर दिए गए हैं और दोनों की अलग अलग वैकेंसीज है। देहरादून के अंतर्गत RPO देहरादून में जो भी गढ़वाल रीजन के हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और जो RPO हल्द्वानी के अंतर्गत है ये कुमाऊँ रीजन के अंतर्गत जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं।